एसएसपी ने 7 पुलिसकर्मियों समेत सीओ सिटी पर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष और जिला बदर आरोपी धर्मेंद्र यादव जिला कारागार से रिहा होने के बाद भारी भरकम काफले के साथ सड़क पर होते हुए गुजरे, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसको लेकर एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लिया था और धर्मेंद्र यादव समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन जुलूस के दौरान लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने 7 पुलिसकर्मियों समेत सीओ सिटी पर कार्रवाई की। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के औरैया से युवजन सभा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव 2 दिन पहले इटावा जिला कारागार से रिहा होने के बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और वाहनों के साथ हाईवे से गुजरते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद उन्होंने नियमों की धज्जियां भी जमकर उड़ाई थी। वही वीडियो भी जमकर वायरल हुए। इस मामले में एसएसपी के द्वारा कल 24 वाहनों को बरामद किया गया था, जबकि 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसएसपी के द्वारा पुलिस के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने 7 पुलिसकर्मियों समेत सीओ सिटी राजीव प्रताप के खिलाफ भी कार्रवाई की। 7 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया है, जबकि सीओ सिटी को शहर इटावा से जसवंत नगर के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई से लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। दिनांक 5 जून को एक हाईवे पे वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि गैंगस्टर धर्मेंद्र यादव की रिहाई के उपरांत 100 गाड़ियों के लगभग काफिले के साथ जुलूस निकाला गया, कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल सिविल लाइन्स थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें वीडियो फुटेज और फोटो के आधार पर लगातार गाड़ियों के जब्तीकरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक इसमें 34 अभियुक्त और 24 गाड़ियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इस संबंध में, इस वायरल वीडियो के संबंध में एसपी सिटी इटावा के द्वारा जांच जो की गई, जांच में उनके द्वारा जो भी दोषी कर्मी थे उनकी रिपोर्ट आने पर 7 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें जेल चौकी इंचार्ज भानु प्रताप ये पूर्व में ही निलंबित किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स ओपी पांडे, इनके द्वारा लापरवाही बरती गई है, इसलिए इनको निलंबित किया गया। साथ में अभिसूचना संकलन में विफल रहे जो LIU इंस्पेक्टर हैं पुनीत कुमार शर्मा, उनको निलंबित किया गया है। साथ ही जो हाईवे पे महेवा चौकी है उनके द्वारा शिथिलता बरती गई, विष्णुकांत तिवारी महेवा चौकी इंचार्ज को भी निलंबित किया गया है। साथ ही ट्रैफिक के एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो कि जेल के पास वाले चौराहे पे उनकी ड्यूटी थी, उनके द्वारा भी शिथिलता बरती गई। इन 7 लोगों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। साथ ही चूँकि इतना बड़ा काफिला निकला था, इसमें सीओ सिटी का शिथिल पर्यवेक्षण रहा, इसको देखते हुए उनको सर्किल से हटाकर अन्यत्र पोस्ट किया जा रहा है।